Guys, what's up everyone? I hope all of you are doing good. आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो, precautions ले रहे हो, because country में बहुत बहुत ही बेकार situation चल रहा है. It is very tough period for all of us. So I want all of you to take care of yourself, take care of your loved ones. ये message देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. Now welcome back to my channel, Aesthetic Bull. And आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत देर के बाद video बना रहा हूँ. Actually, it's true. Last time मैंने वीडियो बनाई थी अराउंड इन सेप्टेम्बर एंड इट्स बिन अराउंड सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेब मार्च अप्रैल तो तीन छः सात सेवन मंथ्स. तो आज मैं सेवन मंथ बाद वीडियो बना रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, करने के लिए था नहीं, किसी के साथ बात करने के लिए नहीं था कुछ. तो आई थॉट कि लेट्स शूट अ वीडियो, मतलब एक व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करता हूँ, इंटरेक्शन होगा. इट वॉज नॉट फॉर कमर्शियलिंग माई सेल्फ, इट वॉज नेवर टू गेट लाइक्स, नेवर टू गेट फॉलोअर्स, नेवर टू नथिंग लाइक दैट. बस मैं एक्सप्रेस करना चाहता था अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे को क्या फेस करने के लिए मिल रहा है और मैं क्या क्या सीख रहा हूँ और कैसे मैं बाकियों को उससे गाइड कर सकता हूँ, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ. तो जैसे ही लॉकडाउन से हम बाहर निकले फिर मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलने लग पड़ा, मैं वीडियो नहीं बना पाया. लाइक मैंने वीडियोज कुछ बनाए, मैंने कोशिश की बनाने की लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो लास्ट टाइम आई वॉज इन नोएडा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आई वॉज विद माई फ्रेंड. और देन आफ्टर दैट जैसे मैं पानीपत था, फिर उसके बाद मैं नोएडा आया. अराउंड 5 महीने नोएडा रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने थोड़ा अपना काम किया अपने फ्रेंड के साथ एंड थोड़ा घर से बाहर था क्योंकि चाहता था बाहर निकलना, थोड़ा दोस्तों के पास जाना चाहता था, कुछ किसी से बात करना चाहता था, थोड़ा सोशल होना चाहता था. बिकॉज यू नो बहुत ज़्यादा टफ होता है अगर आप अकेले हैं. लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे दोस्त भी नहीं है, कमी दोस्त हैं. तो वहाँ पे थोड़ा टफ होता है अगर आप ऐसे हैं. तो इट वॉज जस्ट फॉर दैट कि मैं कहीं पे जाना चाहता था, किसी से मिलना चाहता था. तो वो हुआ. देन आई हैड अ प्लान कि मेरे को बॉम्बे आना था. तो जब मेरे को लगा कि कोरोना में सिचुएशन अच्छी हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़े केसेस ज़्यादा थे, तो जस्ट फॉर दैट कि मैं थोड़ा डिले डाल दिया था. जब थोड़े केसेस कम हो जाएंगे, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, देन आई कम टू बॉम्बे वेर आई वॉन्ट टू कम. मेरे को यहीं आना था. राइट नाउ इन बॉम्बे, तो मैं फेब में बॉम्बे शिफ्ट हो गया था. तो ट्रांजिशन आया, आई वॉज वर्किंग आउट इन, आई वॉज डूइंग माई वर्क इन नोएडा. देन आई केम हेयर, यहाँ पे मैंने हाउस हंटिंग की. मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ हाउस हंटिंग के ऊपर क्योंकि बॉम्बे में घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो होपफुली बाई ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को अच्छा घर मिला. मैं घर का टूर तो नहीं करा पाऊँगा अभी, लेकिन इवेंचुअली मैं थोड़े व्लॉग्स और बनाऊँगा फ्यूचर में. तो श्योरली आप व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग्स में मेरा घर देख ही लोगे. बाकी मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको. ये मेरे बाहर का व्यू है घर के बाहर. लुक एट दैट, ये है 16th floor, आई मीन 16th floor राइट नाउ. तो बाहर बाकी सारी सिटी दिखती है. सो होपफुली अच्छा घर मिल गया, बट टाइम लगा. यू हैव टू हंट इट लाइक डेस्परेटली. ऑलमोस्ट 4-5 days ढूंढने में लगे एंड 10 दिन मेरे को सेटल होने में लगे. बिकॉज हेयर फ्रॉम ऑल अदर सिटी जहाँ से मैं आया हूँ दे वर स्मॉल सिटीज़, तो ये बिग सिटी है, थोड़ी फास्ट होती है ये सिटीज़, तो उसमें कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है. एंड देन अगेन स्टार्टेड माई वर्क. तो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले एवरीथिंग वॉज गोइंग रियली गुड, बहुत अच्छा चल रहा था. सबके लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा, 1 महीने पहले ही जो हुआ है सबके साथ. तो मेरे को भी कोविड हो गया था 1 महीने पहले, तो जिसकी वजह से मैं जिम जाना बंद कर दिया था. एंड उसके ही 5-6 दिन बाद लॉकडाउन भी हो गया यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आने स्टार्ट हो गए थे, स्पेशली इन मुंबई महाराष्ट्र. यू ऑल नो दैट अभी भी यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, दिस इज़ हाईली इफेक्टेड स्टेट राइट नाउ. तो इस वजह से मैंने जिम करना बंद कर दिया. तो इट्स बिन टोटली 1 month मैंने जिम नहीं किया. आई गॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. अभी नमाज का टाइम हो चुका है, स्टार्ट हो गया, तो मे बी थोड़ी वॉइस इंटरप्ट हो जाए.
तो फिर उसके बाद वो वहाँ से मैं रिकवर हुआ, देन आई बैक पेन, मतलब मेरे बैक में सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया इमिडिएटली, पता नहीं कैसे हुआ। इट वॉज जस्ट बिकॉज मैं एक जगह पे बैठे रहता था, डाइट मेरी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यू नो हाउ टफ इट इज़, जिनको नहीं हुआ कोविड उनको दे आर वेरी ग्रेटफुल एंड आई होप सो उनको ना हो, पर जिनको हो रखा है उनको पता है कि इट इज़ रियली वेरी टफ पीरियड, बहुत एंगजाइटी होती है, कुछ खाने का कुछ पीने का कुछ करने का मन नहीं करता। तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट, एंड फॉर अ बॉडी बिल्डर एंड फॉर अ फिटनेस फ्रीक आपको अपनी डाइट पर बिल्कुल फोकस रखना पड़ता है, हर एक मील अच्छे से लेना पड़ता है। तो अगर आप एक मील भी स्किप कर दो तो ऐसा लगता है तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बट इन कोविड यू हैव टू, मतलब 14-15 दिन कैसे करके सर्वाइव करना पड़ता है किसी तरीके से, डाइट किसी भी तरीके से कुछ भी ले लो। तो उस वजह से थोड़ा ऐसे डीमोटिवेट हो गया कि बॉडी भी डाउन हो गई, एंड आफ्टर दैट एक जगह बैठे रहने से सर्वाइकल पेन भी स्टार्ट हो गया, बैक में भी बहुत दर्द है जिस वजह से सर दर्द होता है। तो इट्स बीन राउंड अबाउट 1 month जिसमें मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मेरे को ऐसे फील होता है कि सारे कंट्री में ये सी सिचुएशन है, मेरी रूटीन भी इम्प्रॉपर हो गई, हर चीज़ ख़राब हो गई, तो उसको बैक करने के लिए, वापस ट्रैक पे आने के लिए, और सारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन है कि सबको घर में रहना पड़ रहा है, तो जो मैं सिचुएशन फील कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ फील कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, वो बाकियों के साथ भी हो सकता है। द मेजर कॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कैन बी, मतलब इस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को ओबेसिटी हो सकती है, बहुत लोगों की बॉडीज वीक हो सकती हैं अंदर से, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू लिव इनसाइड दिस फोर वॉल्स, वी आर सपोज टू लिव इन द फ्रेश एयर आउटसाइड इन ओपन। तो हम अंदर रहेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी टफ, एंड हम कैलोरीज खाते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक टेंडेंसी होती है, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो वी ऑलवेज स्पेंड टाइम बाय ईटिंग समथिंग, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे, एंड अगर हम वो वर्क किसी भी एक्टिविटी, बिकॉज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी ना, तो अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो इवेंचुअली आपकी बॉडी को अंदर से खाना शुरू कर सकती हैं। ओके, तो जस्ट फॉर दैट केस मैंने सोचा कि सब चीज़, सब लोग ये फील कर रहे होंगे, मैं भी ये कर रहा हूँ, तो आई विल डू समथिंग, मैं एक 30-day चैलेंज लूँगा फॉर अ होम वर्कआउट, एंड मैं खुद तो परफॉर्म करूँगा, क्योंकि मेरे को ट्रैक पे आना वापस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैं अपने आप को लेके आऊँगा, वैसे मैं उसी हिसाब से लोगों को भी गाइड करूँगा जो चाहते हैं ट्रैक पे आना, जो चाहते हैं कि उनकी रूटीन अच्छी हो, जो चाहते हैं प्रोग्रेस करना, जो चाहते हैं फिजिक बिल्ड करना या फिट होना, कोई भी उनका गोल हो, बिकॉज यू नो आर ब्रेन्स ऑप्टिमल कंडीशनिंग, मतलब हमारा ब्रेन ऑप्टिमल फंक्शनिंग तब करता है जब हमारी हर रूटीन अच्छी रहे, हम ऑप्टिमल वर्क करें, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी करें। तो इस वजह से आई थॉट कि आई विल ट्राई टू गाइड, मैं सबको गाइड करने की कोशिश करूँगा, यूट्यूब पे मैं अपनी सीरीज डालूंगा। तो आई केम अप विद प्लान दैट आई एम गोइंग टू डू 30-day होम वर्कआउट चैलेंज, जिसमें मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ 30-day व्लॉग चैलेंज, मैं व्लॉग भी बनाऊंगा, एंड मोर स्पेसिफिकली उसमें मैं रूटीन्स बताऊंगा जो मैं वर्कआउट में फॉलो करूंगा, मैं पूरे दिन में क्या रूटीन फॉलो करूंगा, एंड हाउ आई विल ट्राई टू मेक इट अ हैबिट, how I'll come back stronger, how we will bounce back. तो जिससे आप भी सीख सकते हैं, आप भी मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई केम अप विद दिस आइडिया एंड आई विल बी अपलोडिंग, टुडे इज 2nd of May एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of May टमोरो डे 1। एंड एक और चीज़ है, मैंने सिर्फ YouTube पे नहीं रखा ये, मैंने टेलीग्राम पे चैनल भी बना लिया हुआ है जस्ट फॉर दिस केस, एंड वहाँ पे जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको भी ये फॉलो करना है 30-day वर्कआउट रूटीन, मैं सेंड करता रहूँगा उस चैनल पे वर्कआउट जो मैं परफॉर्म करूँगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है एंड आई हाईली रिकमेंड इट, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा ग्रुप का, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, एंड एवरी वन इज़ वेलकम, इट्स टोटली फ्री, आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज आई कैन, एंड बिकॉज मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी डोंट हैव टू पैनिक, एंड हमें सिर्फ अपने आप को लिफ्टअप नहीं करना, हमें
आसपास के लोगों को भी लिफ्ट अप करना है, तो ओनली देन वी विल बी मच स्ट्रॉन्गर। इंस्टाग्राम पे जो मेरे को देख रहा है, जो इंस्टाग्राम पे देखेगा वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, उसमें भी मैं अपने इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे दे दूंगा एंड इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी ये लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट्स ओपन फॉर एवरीवन एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम अच्छी तरह से इस 30 डे चैलेंज को कंप्लीट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें एंड आफ्टर 30th डे वी विल फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ दैट वी हैव कम दिस फार एंड इट्स गोइंग रियली गुड एंड हमने अच्छी डिसीजन ली अपनी लाइफ में। सो मैं स्केड्यूल रोज़ डालता रहूँगा, हमें क्या क्या फॉलो करना है, हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करने हैं। इट विल बी मेडिटेशन ऑल्सो, इट विल बी इम्प्रूविंग योर सेल्फ, कैसे हम अपना माइंड सेट इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट, किस टाइम पे वर्कआउट करना है, डाइट का भी मैं ट्राई करूँगा बताने के लिए कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। सो इट विल बी ऑल लाइक दैट। अभी थोड़ा अंधेरा होने स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स बिगिन गाइज। Take care, love you all, and from tomorrow we'll start day 1. Bye.